बहन जी ने भी अच्छा खासा काम किया, कौन मना कर रहा बसपा को वोट ना दो, बसपा को वोट दो। सपा को वोट देता हूं मैं, सपा को सपोर्ट करता हूं, ये बात सच। सपा को वोट इसलिए देगी जनता कि अखिलेश यादव जी जब 5 साल मुख्यमंत्री थे तो जो अखिलेश यादव जी ने विजन और विकास खड़ा किया था उस विकास को आज की सरकार कहीं आसपास भी नहीं है। इसलिए आज का युवा, आज का विद्यार्थी, आज का जो स्टूडेंट है और आज के जो लोग हैं विकास देश का, उत्तर प्रदेश का चाहते हैं, वो अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री अगर होते आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यहाँ तक कि पुलिस की व्यवस्था और बेटियों की जो सुरक्षा की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था चार चौकंद होती और यहाँ किसान आज कम से कम देश का खुशहाल होता। उसे शायद अभी मुझे उम्मीद है कि MSP भी मिलती होती और खाद और पानी और बीज की नहरों में जो उत्तर प्रदेश में पानी नहीं आ रहा है, जो कोरोना काल में बच्चों को फीस के साथ दुखी किया गया, माता पिता पर फीस वसूली गई स्कूल बंद करने के बाद भी, तो वो शायद नहीं होता, ऐसा मुझे उम्मीद है क्योंकि ऐसा हुआ भी है पहले। लेकिन अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा कैसे लोग भूल जाएंगे, अखलाक कांड को कैसे भूलेंगे लोग, हाशिमपुर कांड को कैसे भूलेंगे? अखिलेश सरकार में अगर दंगा हुआ था तो वो दंगा कराने वालों का प्रमोशन नहीं हुआ था। अगर यहाँ इंस्पेक्टर सबोध को मारा जाता है और उसी इंस्पेक्टर को मारने वाले को सम्मानित किया जाता है, अगर किसी बेटी का बलात्कार किया जाता है उसका सम्मान किया जाता है, और जो अधिकारी बिगरू जैसा कांड करवाते हैं और उसके बाद उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, जो कुलदीप सेंगर को अधिकारी पकड़ते नहीं हैं उसका सपोर्ट करते हैं, उन अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दे दी जाती है, इस सरकार में ये हो रहा है। इसलिए जनता समझ रही है, जो जनता जानती है वो जनता दुखी है इस सरकार से। यह सरकार पूरी बलात्कारियों के साथ खड़ी है, यह सरकार क्रिमिनल और घोटालेबाजों के साथ खड़ी। मुझे ये बताओ, बनारस में पुल गिरा था, मुझे ये बताओ इस सरकार में गिरा था, अखिलेश सरकार में गिरा था, इस सरकार में गिरा था ना? मैंने आपसे मुझे अखलाक कांड को भूलेंगे लोग, अखलाक कांड को लोग भूलेंगे, इसलिए भूलेंगे कि अखलाक कांड का जो करने वाले लोग थे वो उन्हें जेल में होना चाहिए था। आज इस सरकार ने उनको सम्मान दिया है, उनको जेल में, जब तक सपा सरकार थी जेल में जाना, हिंदू मुस्लिम अखलाक, मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर दंगों के आरोप तो जिन लगे आजम खान पे, लेकिन दंगा कराया किसने था, आरोप किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ तो सरकार हमारी थी तो रोका गया, लेकिन सही जो जिनके ऊपर मुकदमा किया गया तो भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देने का काम करती है, उनके मुकदमे वापस कराने का काम करती है। तो इसलिए वोट दिया जाएगा, बसपा को क्यों ना दिया जाएगा? बसपा में क्या कमी है? नहीं, हमने तो नहीं कहा कि बसपा को नहीं दिया जाएगा, बसपा को वोट दे, बहन जी ने भी अच्छा खासा काम किया, कौन मना कर रहा बसपा को वोट ना दो, बसपा को वोट दो। लेकिन अब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहन जी का कार्यकाल सबने देखा है। अच्छा, अब बहन जी ने आज दिन तक अपनी पार्टी का कोई आगे का राजनीतिक तय नहीं कर पाया। कौन है बहन जी के बाद दूसरे नंबर का? जनता समाज को अब ये देखना चाहती है कि आगे क्या, बहन जी 5 साल रह पाएंगी नहीं रह पाएंगी, बहन जी का आगे का क्या विजन है? बहन जी ने कभी अपना विजन क्लियर नहीं किया। लेकिन बहन जी ने जिस हिसाब से जो डेवलपमेंट क्षेत्र वाइज और खास शहरों का किया था, जिस हिसाब से अपने हिसाब से किया था, लोग उसे नहीं संतुष्ट थे उसे, इसलिए बहन जी को हराया, दंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी ने कराया, इसलिए अखिलेश जी को हराया। लेकिन लोग अब क्या चाहते हैं? लोग वो चाहते हैं कि जाति व्यवस्था की बात ना हो, लोग जाति धर्म में ना बटे, लोग युवा जनरेशन आज को समझने वाले लोग जो लैपटॉप और सोशल मीडिया और देश को जो सोशल साइट से जोड़ने वाली जो सरकारें आती हैं उनको लोग पसंद करते हैं। लैपटॉप जरूरी है या स्कूल कॉलेज जरूरी है? दोनों चीजें। तो बच्चों को लैपटॉप भी जरूरी है, बच्चों को शिक्षा भी जरूरी है, बच्चों को स्वास्थ्य भी जरूरी है, किसानों के बच्चों को। कितने कॉलेज बनवाए अपने शासन का? अखिलेश यादव ने हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हो सकते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से लेके, अलीगढ़ से लेके, एटा से लेके, नखलऊ से लेके, इटावा से लेके, मैं कह रहा हूँ ना, सेंट्रल स्कूल एटा में बना है, सेंट्रल स्कूल उसमें बना है, मैनपुरी में बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में बना है, नखलऊ में बना है, तुम जहाँ जिस अलीगढ़ में जिस क्षेत्र में आप जाओगे, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय परमिशन के साथ हर जिले में केंद्रीय विद्यालय बनाने का काम। सपा का
शासन में बताओ ना क्या कमी रही। शासन बहुत बढ़िया मजबूत शासन रहा। बस बात अगर सिर्फ मुजफ्फरनगर की कांड की, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर दंगा करवाया था, उसी पे सवाल उठा सकते हो, तो उसी पे बात कर सकते हो। वो भारतीय जनता पार्टी ने दंगा करवाया था और उनको आज अपने संरक्षण में अपनी रहमो करम पे उन विधायकों को प्रमोशन दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, चलो अखिलेश जी सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी जब सीएम थे उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे रखी, यूं ऐसा क्यों कहना पड़ा? नहीं, छूट क्या मतलब, छूट का मतलब क्या होता? छूट का मतलब ये था कि जो कोई भी क्रिमिनल जो कांड करे वो बचे ना, ये छूट होती है। क्रिमिनल कांड करके और वो बचना नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक, किसी राजनीति के संरक्षक में उसके, उसको बचना नहीं चाहिए। कोई राजनेता बचाना चाहे बचना नहीं चाहिए। यादव जी, नेताजी ने बयान दिया मंच से कि बच्चों से गलती हो जाती है। देखो नेता कैसे देखा, देखो नेताजी ने जो बयान दिया, मैं मानता नहीं हूँ कि उसमें कुछ गलत था। हिंदुस्तान का कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं होती। मतलब रेप दुनिया, अब तुमने रेप से जोड़ दिया ना, और क्या था? रेप से जोड़ दिया ना, और क्या गलती क्या की बात करता हूँ। गलती अगर दुनिया का एक बच्चा तुम बता दो कि जिस बच्चे से ना गलती हुई हो, हर दुनिया के हर बच्चे से गलती होती है, लेकिन रेप करने वाला बच्चा नहीं होता है, वो व्यक्ति होता है। और व्यक्ति जब नादानी पना में अगर नादान है और वो गलती करता है तो वो गलती होती है। लेकिन चिन्मयानंद जैसे जब लोग गलती करते हैं, जब बात को क्या कहोगे? जब अखिलेश यादव पे हमेशा आरोप लगते हैं परिवार बात को, अगर देखो अखिलेश यादव पे अगर परिवार बात के आरोप लगते हैं तो लोगों को फूलन देवी को देख लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी, नेताजी फूलन देवी को भी लाए थे, और बैनी प्रसाद वर्मा भी थे, अमर सिंह भी थे। उसमें देश, जो देश का जो है ना, हर वर्ग और हर जाति का नेता था। वो परिवार से नहीं आते, वो अपनी मेहनत और अपनी लगन और जनता की लोकप्रियता से नेता बनते हैं, परिवार से नहीं। अखिलेश जी किसी राज्यसभा से नहीं आए। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर 10,000 किलोमीटर साइकिल चलाई थी, जनता के प्रिय बने, जनता ने उन्हें जिताया, जनता के बीच में गए, जनता के बीच में आज भी रहते हैं, और जनता उन्हें अपने सर पर बिठाना चाहती है, तो वो जनता के नेता है। परिवारवाद हम तो नहीं मानते, परिवारवाद इसलिए नहीं मानते कि वो जहां उनका विकास है आज भी, वहां सपा का कोई बाल बांका नहीं उखाड़ सकता। अखिलेश यादव के पूरे परिवार में राजनीति के अलावा कहीं कहीं कोई कुछ लोग कुछ काम करते हैं अलग। क्यों, अखिलेश खुद इंजीनियर है, इंजीनियर है अखिलेश यादव, है ना? मैं कह रहा हूँ राजनीति है ना। अखिलेश यादव के अलावा धर्मेंद्र इंजीनियर है, उनके घर में कौन ऐसा है जो इंजीनियर नहीं? तो एक बात, चुनाव लड़े नहीं, चुनाव तो चुनाव लड़े है ना, जनता वोट देती है ना, जनता हरा दे, एक भी नहीं रहेगा भाई, जनता उन्हें हरा दे, जनता डिमांड करती है यार। एक आखिरी, मैं कह रहा हूँ ना, हम जहाँ से आते हैं, डिंपल भाभी की डिमांड चल रही है कि डिंपल भाभी को यहाँ से खड़ा करो, कोई लोग वहाँ से मांग, क्योंकि उनके यहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ जातिवाद नहीं होता, वहाँ धर्मवाद नहीं होता, वहाँ सिर्फ विकास होता है। और विकास की अगर बात करते हो तो दे जाओ ना, आप सैपई में कभी जाओ ना, वहाँ किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, वहाँ वो राष्ट्र है कि कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटव हो, जाट हो, चाहे वो यादव हो, चाहे किसी भी जाति का हो, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, कोई जाति धर्म नहीं, कोई जाति धर्म नहीं। जाओ ना एक बार देखो ना, जिसकी जहाँ जमीन जिसको मिलनी थी, जिसको जो मुआवजा मिलना था, जिसका हॉस्पिटल गया हो, हॉस्पिटल में जगह गई हो, या स्टेडियम में जगह गई हो, जिसको जो जायज मुआवजा और जायज उसने मांगा वो उसे मिला, वहाँ कोई जाति या धर्म के हिसाब से कभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल ईमानदारी से देना, सपा बसपा के दोनों शासन आपने देखे, योगी का तो चल ही रहा है, दोनों का शासन किसका मजबूत था? विकास के मामले में अखिलेश यादव जी टॉप पे, नहीं शासन क्या प्रशासन? शासन क्या मतलब, शासन प्रशासन किसका मजबूत था? नहीं शासन प्रशासन में क्या कहूँ, अगर सरकार को तोला जाता है तो सारे मापदंडों पे तोला जाता है, सारे मापदंडों मेरे शासन प्रशासन में नहीं, शासन किसका शासन प्रशासन था ये बताइए, आखिरी सवाल। नहीं अखिलेश का या मायावती का? नहीं अब देखो मायावती, मैं कह रहा हूँ ना, मायावती जी ने भी ठीक चलाया, मैं गलत नहीं बोल रहा ना, मायावती जी ने भी अच्छा शासन चलाया, लेकिन अखिलेश जी को जो आज युवा जनरेशन को जरूरत थी, जो
पुलिस को व्यवस्थाओं की जरूरत थी और जो आज के जमाने में होना चाहिए था वो पूरा का पूरा अखिलेश यादव ने जीत दिया और योगी आदित्यनाथ जी ने उसे ध्वस्त कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ जाति और बिरादरी और धर्म के हिसाब से लड़ाते रह गए, देश की जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो सब खत्म कर दी। आज 5 साल चुनाव सत्ता करने के बाद भी आज भी उन्हें जाति धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है। 5 साल का न तो योगी आदित्यनाथ जी बता पा रहे हैं कि मैंने क्या किया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अलीगढ़ में बता पाए कि हमने क्या किया। वो जातियों पर और धर्मों पर राजनीति करना चाहते हैं। देश अगर जाग जाए और देश अगर अपने आप को तरक्की देना चाहता है, अपने बच्चों की भलाई करना चाहता है तो जाति धर्म छोड़ के इन राजनेताओं से विकास की बात करो। आप अपने आप सुधर जाओगे, देश सुधर जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई लहर आएगी तब विकास की आएगी।